यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक फिगर दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स में, तो इसमें कितने एंगल हैं? नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में टोटल 4 एंगल है, एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये वाला और एक ये वाला। इन चारों एंगल के अपने को नेम लिखेंगे। एंगल के नेम में आप पता है पहले एंगल का साइन आता है, फिर जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का नेम बीच में आएगा, यहाँ ये एंगल बनता है किस पे? पॉइंट ए पे। तो फर्स्ट नेम होगा, अपन यहाँ चाहते हैं एंगल ए बी सी, ए वाला एंगल, एंगल ए बी सी। फिर यहाँ से आगे एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल, एंगल बी सी डी। उसके बाद एंगल सी डी ए, ये वाला एंगल, एंगल सी डी ए। फिर एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल। तो ये चारों एंगल के अपने को नेम लिखने। सिंपल है, आपके एक बार पॉइंट ए बीच में आएगा, ए वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल, दूसरा बी पे बनने वाला ए बी सी लिखते हैं आप, सी पे बनने वाला बी सी डी, बी पे बनने वाला सी डी ए लिखो या ए डी सी लिखो, डी आना सी लिखो। इसी तरह ए पे बनने वाला डी ए बी लिखो या बी ए डी, दोनों ऐसे चार आपके टोटल इसमें एंगल बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स। आपको एक फिगर दिया, देखो इसमें पॉइंट्स लिखने, आपको कौन से? इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ बी, डी ओ ई एंगल, इसके इंटीरियर अंदर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए, है ना? तो ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल डी ओ बी। सिमिलरली सेकंड है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ ये एंगल है, इसके बाहर वाले पॉइंट, इसके बाहर सी बी है, इसके बाहर ए बी है, इसके बाहर डी बी है, तो है पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ठीक है, नेक्स्ट ओ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ पे कौन कौन से पॉइंट आ गए? पॉइंट ई, पॉइंट बी, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एफ। तो पॉइंट बी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ और पॉइंट एफ, ये है एंगल ई ओ एफ। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। यस फ्रेंड, एक्सरसाइज 4.4 में एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको एक फिगर दिया है। इस फिगर को देख के अपने को जो ये इसके चार पार्ट दिए हैं उनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्या दिया है? आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। इस फिगर में कौन कौन से 3 ट्राइंगल? देखो, एक तो है बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ये ट्राइंगल ए बी डी और तीसरा ट्राइंगल ए सी डी, ये 3 ट्राइंगल है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ सेमिन एंगल। तो एंगल कौन कौन से है? ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा एंगल, ये पांचवा, ये छठा और एक ये, इनको मिक्स कर दे दो, एक बड़े वाला 7। अब इनके नेम लिखेंगे। फर्स्ट एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल है, एंगल ए सी डी, ये एंगल बी डी ए, उसके बाद एंगल बी ए डी, ये वाला, फिर एंगल
ए बी सी ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, और लास्ट ये इनको मिला दें एंगल बी ए सी। इस तरह से इसमें 7 टोटल एंगल्स। उसके बाद राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी बी डी ए डी ए सी डी सी और बी सी, ये इसकी 6 लाइन सेगमेंट। विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एच कॉमन, ऐसे कौन से दो ट्राइंगल है जिसमें बी एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एक तो ये है एंगल ट्राइंगल ए बी डी, इसमें एंगल दिया है। दूसरा ये बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों में एंगल बी है वो कॉमन। ठीक है, ये था आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन। यस, एक्सरसाइज 4.5 एक ओरली एक्सरसाइज है जो अपन ऑनलाइन क्लास में कर रहे हैं। अब ये एक्सरसाइज 4.6, इसमें अपन ने पढ़े थे सर्किल से रिलेटेड टॉपिक्स, रेडियस, डायमीटर, कोण, सेक्टर, आर्क, सेगमेंट, उनके बारे में इसमें लिखना है। तो आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से आइडेंटिफाई करना है द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर का होता है मिडिल में, क्या है यहाँ पे ओ, सेंटर इसका ओ है। फिर है बी में 3 रेडियस, रेडियस क्या होती है सर्किल की बाउंड्री पे जो पॉइंट है उसकी सेंटर से डिस्टेंस, तो ये ओ ए ओ बी और ओ सी, ये 3 इसकी रेडियस। उसके बाद के डायमीटर, डायमीटर लॉन्गेस्ट कोण होती है जो सर्किल से पास होती है, तो ये ए सी इसका डायमीटर। नेक्स्ट के कोण, कोण क्या होता है द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्किल, तो ये पॉइंट ई है सर्किल बाउंड्री पे, ये डी है, इसको जॉइन करने वाली लाइन सेगमेंट है ई डी, ये ई डी है इसकी कोण। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर सर्किल के अंदर, एक तो पॉइंट ओ है सेंट्रिस का और एक पॉइंट पी, ठीक है। 1 पॉइंट इन द एक्सटीरियर सर्किल से बाहर कौन सा पॉइंट, पॉइंट क्यू। ए सेक्टर, सेक्टर क्या होता है सेक्टर 2 रेडियस और 1 आर्क से बाउंडेड पोर्शन होता है ना, तो ये देखो ये है ना सेंट्रल पोर्शन ए ओ बी, इसमें ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है और ए बी क्या ठीक है आर्क, तो ये सेंट्रल पोर्शन ए ओ बी, ये इसका सेक्टर होगा ओ ए बी या ए ओ बी। इसी तरह सेगमेंट, सेगमेंट कैसे बनता है एक कोण और एक आर्क से बाउंडेड एरिया को बोलते हैं सेगमेंट, तो ये कोण ई डी और ये आर्क, तो सेंट्रल पोर्शन जो है ई डी, ये वाला है कि सेगमेंट, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपको नेम लिखने थे। ओके, ये था चैप्टर 4 के जो मेन क्वेश्चन थे, बाकी अपन ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन या डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।